ਪਿਆ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਵਜਿਆ ਉਹ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਕਰਾਣੀ ਔਰ ਲਫਾਫੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਦਿਖਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਲੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਭੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਈਨਐਮ ਹੈ ਤੇ ਈਨਐਮ ਉੱਪਰ ਬਿਡ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ ਦੱਸੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀ ਸਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਰੀਆਂ ਐਪਸ ਸੋਸ਼ਲ ਐਪਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੇਜ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਗਾ ਰੁਕਗਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੀ ਆਉ ਨਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ हमारे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग के थ्रू एक अवेयरनेस कैंप जो है वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसमें कम से कम 120-150 के करीब जो लोग हैं उन्होंने इस योजनाओं का अलग अलग योजनाएं जो हैं उनके बारे में जाना और ये हमारे यहाँ पर जो कैंप हुआ है मैं चाहती हूँ कि लोगों की सबसे मेन दिक्कत जो थी वो यही थी कि हम ग्रोन तो कर लें बट हम उनको सेल कहाँ पे करें तो आज यहाँ पर इन लोगों को जो हमारे फार्मर्स थे उनको यही अवेयर किया गया यही चीज़ें उनको समझाई गई किस तरह से आप ई नेमिंग के थ्रू आप रजिस्टर होकर अपनी जो अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको किस तरह से सेल कर सकते हैं और बेस्ट जो आपका प्राइस है वो भी किस तरह से मिल पाएंगे और बहुत सारी योजनाएँ थी जिनके बारे में प्लानिंग हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग उन्होंने बताया हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग ने उनको बहुत सारी योजनाओं का मतलब अवगत कराया और लोगों में जो था वो यही बहुत सारी क्यूरियस थी जो यहाँ पर उन्होंने आज जो उनकी थी सॉल्व करी हैं और आने वाले टाइम में हमारी पंचायत से लोग काफ़ी जो है उभर कर बाहर आएंगे और इन योजनाओं का बेनिफिट जो है वो लेंगे एक बार पुनः मैं इंटायर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने ये अवेयरनेस कैंप जो है हमारे यहाँ पर चलाया थैंक यू ऐसा है कि गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें हैं लेकिन ग्राउंड पे जो है लोगों को उसके बारे में जानकारी कम है तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग कठुआ की तरफ से आज यहाँ अमाला पंचायत घर अमाला में किसान भाइयों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एग्रीप्रन्योर्स के लिए और हमारे जो ODOP के एंटरप्रन्योर्स हैं उनके लिए एक वन डे अवेयरनेस कैंप किया गया जिसके दौरान हमने जो भी स्कीमें डिपार्टमेंट इस समय देख रहा है उनको एग्जीक्यूट कर रहा है ग्राउंड पे वो डिटेल में इंफॉर्मेशन मेरे इंस्पेक्टरों ने मैंने और हमारे सारे डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कठुआ के ऑफिस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं ऑफिशियल्स हैं इन्होंने लोगों में शेयर की और उसके बारे में जानकारी दी इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने बाकी डिपार्टमेंटों को भी इनवाइट किया था उसमें से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फिशरीज़ डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट J&K बैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आए उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी जो स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराया यहाँ पे जो किसान भाई आए थे जो वुमेन फोक आया था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए थे उनको जानकारियाँ दी और मैं चाहूँगा कि लोग इन स्कीमों का पूरा फ़ायदा उठाएं और ताकि ये है कि गवर्नमेंट का ये है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो ये स्कीमें लेके ये ना सिर्फ अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं ये बल्कि चार लोगों को और भी आगे एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं थैंक यू वेरी मच